क्या हो गया मुझसे अमीषा? मुझे देखना पड़ेगा। ये तुम कहाँ जा रहे हो अभी? पागल हो गया क्या? अमीषा मुझे चेक करने दो अमीषा। ये तुम बाहर नहीं जा सकते। अमीषा अगर कोई आ गया तो वीर, प्लीज बाहर मत जाओ। तुम नशे में हो, पुलिस केस हो जाएगा। काजल, सत्या, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं दीदी, बस कोई बुरा सपना देखा। दीदी मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे काजल किसी तकलीफ में। कैसी बातें करता है तू, शुभ शुभ बोला करना। अब काजल आएगी ना तो इत्मीनान से उसे खाना खिलाऊंगी और दो बातें करूंगी। आजकल उससे अकेले में बात करना मुश्किल हो गया है। ओ सत्या, हाँ। इतना मत सोच, जितना सोचेगा ना उतने सवाल आएंगे दिमाग में। विमोदी, उसने मुझसे कहा था कि वो आधे घंटे में वापस आ जाएगी, पर अब तो दो घंटे होने को जा रहे हैं। टूटे ढोल, तू भूल गया ये मसूरी नहीं है, मुंबई शहर है। पता है ना कितनी ट्रैफिक होती है यहाँ पर, और हर नुक्कड़ पे मुंह ने वो लाल बत्ती लगा रखी है। और फिर उसके पास मोबाइल है तो क्यों परेशान हो रहा है? ले फोन लगा और पूछ उससे कहाँ है वो। रिंग जा रही। हम इस वक्त ठीक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े हैं, जहां पर तेज रफ्तार से आती हुई एक सिल्वर कलर की कार ने कई मासूम लोगों को कुचल दिया है। पुलिस की छानबीन जारी है, मगर अभी तक उनके हाथ में कोई ठोस सुराग नहीं लगा। पर एक चश्मदीद गवाह के अनुसार उस कार में एक औरत और एक आदमी मौजूद थे। हटिए हटिए, भीड़ हटाइए, भीड़ हटाओ, हटिए भीड़ हटाइए, प्लीज प्लीज भीड़ हटाइए, प्लीज हटाइए, हटाइए सबको हटाइए। तुम इधर आओ, तुमने उस आदमी को देखा जो गाड़ी चला रहा था? नहीं साहब। गाड़ी का नंबर? नहीं साहब। इतनी भीड़ में इतनी तेजी से निकल गया साहब, ये बना ही नहीं देखने को साहब। कौन सी बढ़िया? लेंसर थी साहब, लेंसर। रंग क्या थी उस गाड़ी? सिल्वर कलर की थी साहब। सिल्वर कलर, लेंसर। इंस्पेक्टर साहब, पहले जाकर उन लोगों को पकड़िए। देखिए उनकी तलाश जारी है और बहुत जल्दी हम उन्हें पकड़ भी लेंगे। फिलहाल इन घायलों को हमें हॉस्पिटल ले जा दीजिए। चलिए हटिए यहाँ से, हटिए, चलिए भीड़ हटाओ, भीड़ हटाओ, भीड़ हटाओ, काम करने दीजिए, भीड़ हटाइए, चलिए हटाइए, हटिए, प्लीज लेट मी डू माय वर्क, प्लीज। काजल को कैसे समझा कि जो वो सोच रही है वो कभी नहीं हो सकता। मैं उसे दुख नहीं देना चाहता, लेकिन जो मुमकिन नहीं है उसको, उसका किसी को इंतजार रहे ये भी तो ठीक नहीं है। सारी की सारी गलती मेरी है। तले What? Kaajjal? Kaajjal?
ये तो बट्टा था काजल का, लेकिन काजल है तो कहाँ? जी आप काजल को ढूंढ रहे हैं? आपने देखा उसे? यही है ना वो। आप मिस्टर देव हैं? जी हाँ, मैं ही देव प्रताप सिंह हूँ। आप पता ही है मुझे कहाँ मिल सकती है। फिलहाल वो कहाँ है वो तो मुझे नहीं पता, मगर जब उसे स्ट्रेचर से लेके जा रहे थे तब ये गिर गया था उसे। नाइस, थैंक्स, थैंक यू सो मच। बेटर साहब फास्ट, ये मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। इस लड़की का नाम काजल है, काजल बहल। इसकी उम्र करीब 20-22 साल होगी। आप मुझे बता सकते हैं मुझे कहाँ मिलेगी? देखिए, इस एक्सीडेंट में काफी लोग घायल हुए और उनमें कई लोगों की जानें भी चली गई। हाँ, उनमें एक 22-23 साल की लड़की थी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। यही लड़की जिसे आप ढूंढ रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह जख्मी हो गया था कि ये फोटो देख करके तो कहना बहुत मुश्किल है कि वो यही लड़की है या नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, आप मॉक चले जाइए, वहां जाकर देख सकते हैं। मैं आपको अस्पताल का पता दे देता हूँ। काजल को कुछ नहीं हो सकता, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। देव बेटा, मैं सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ, काजल का पिता। बेटा माफ करना, मैं तुम्हें इस समय फोन कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ। बेटा काजल अभी तक घर नहीं पहुंची है और उसका सेलफोन भी बंद है, समझ भी नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें कुछ खबर होगी उसकी। हाँ, फिक्र मत करिए, काजल बिल्कुल ठीक है, तुझे कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हुआ है मतलब? मतलब देखिए, आप खुल के बताइए क्या है, साफ साफ बताइए, काजल कहाँ है, सब ठीक तो है ना? मैं आपसे बाद में बात करता। हेलो हेलो, काजल को कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक है, पर मुझे उसे ढूंढना होगा। किसी की तलाश में हैं आप? जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो यहां पर नहीं है। क्या मतलब? हाँ, जो लोग इंजर्ड हुए वो कौन से हॉस्पिटल में? म्युनिसिपल हॉस्पिटल माहिम। मैं कह रहा हूँ बिमोदी की कुछ तो हुआ है। देव ने क्या कहा, उसने फोन क्यों रख दिया? पता नहीं दीदी, बड़े अजीब तरीके से बात कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि काजल के बारे में कुछ पता है तो कहने लगा काजल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब हो सकता है दीदी? नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, उसका फोन भी तो नहीं लग रहा है। मैं खुद जाकर देखता हूँ। अरे अरे, इस वक्त तू कहाँ ढूंढने जाएगा उसे, रात के 12 बज रहे। तो क्या करूं दीदी,
अगर बेटी रात को 12 बजे तक घर न पहुंचे तो क्या बाप हाथ पे हाथ रखे बैठा रहेगा? तू ठहर, मैं एक बार देव को फोन करती हूँ, शायद उसे कुछ पता होगा। ठीक है। क्या हुआ? घंटी जा रही है, फोन नहीं उठा रहा। दीदी मैं तो जा रहा हूं। ये लड़की भी यहाँ पर है? देखिए, एक साथ बहुत लोगों को यहाँ लाया गया है, उनमें से कई लोग घायल भी हैं, एक दो जन की तो मौत भी हो गई है, और उनमें से हर किसी की इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। नर्स, डॉक्टर बत्रा को इमरजेंसी के लिए बुलवा लीजिए। ओके सर। और इमरजेंसी नीड सम ऑक्सीजन यार, जल्दी। ओके सर। एक्सक्यूज मी, इस लड़की को आपने कहीं देखा? नहीं, एक्सक्यूज मी। माफ कीजिएगा, इनका नाम काजल बैल है और इनका एक्सीडेंट वहीं हुआ था जहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ था। मेरे को तेरी ले बोले कोई पार। घंटी जा रही है, उठा नहीं रहा है। विमोदी, मैं तो जा रहा हूं। हे गणपति बाबा, मेरी बच्ची की रक्षा करना, वो किसी मुसीबत में न फंस गई हो। काजल के कनु भैया, उसकी रक्षा करना। अब क्या करूं, कहां जाऊं? वो एक्सीडेंट साइट पे भी नहीं थी और यहां भी नहीं। अब जाऊं तो कहां ढूंढूं काजल को? काजल का है, उसका मतलब काजल भी यहीं का है।